क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, 10-12 दिन हो चुके हैं, बिटकॉइन के लेवल टिके हुए हैं $30,000 के ऊपर। 30,000 से ऊपर टिका हुआ है बिटकॉइन, और एक ऐसे लेवल पे टिका हुआ है जो बड़ा ही क्रूशियल लेवल है ना। क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर लिया, 31,000 को पार कर लिया, तो 31,000 को ब्रेक करने के बाद सीधा हम 32 से 35 की रेंज भी देख पाएंगे। और यहाँ से पहले भी बिटकॉइन रिजेक्शन लेके नीचे जा चुका है 24,800 तक। ठीक है, तो आपने एक गेम देखा होगा मार्च मंथ के अंदर, जब बिटकॉइन 25,000 को तोड़ने आया था, सेकंड टाइम तोड़ने आया था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइम रिजेक्शन मिला वो $19,000 पे गया बिटकॉइन। $19,000 पे जाने के बाद पूरी पावर से यार 25,000 को भी तोड़ा, और सीधा फिर हम धीरे धीरे 31 पे पहुंच गए। तो एक बार अभी रिजेक्शन मिला, मे बी एक बार और रिजेक्शन मिले $31,000 से। ठीक है, और अगर मिलता है तो वो जरूरी भी है, क्योंकि करेक्शन मार्केट के अंदर आना चाहिए। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन की इस सिचुएशन के साथ पंप कर रहे हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं। लेकिन रीजन क्या है ऑल्ट कॉइन्स का पंप करने का? रीजन बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात करूं, बहुत सारे कॉइन्स, अगर मैं जून मंथ की बात करता हूँ, उन्होंने जो क्लोजिंग दिया है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने, वो बड़े लो लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे डंप करता तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बहुत भारी भरकम क्रैश होते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स को क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, बिटकॉइन मैनेज करके चलेगा, बिटकॉइन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का भी ध्यान रखेगा। ठीक है, और अगर एक डंप आ गया तो बहुत सारे लोगों को इजिली प्रॉफिट मिल जाएगा, शॉर्ट्स की पोजीशन वालों को। तो थोड़ा सा आप देखें बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स क्या हो रहे हैं, पंप हो रहे हैं। ये पंप जो आप देख रहे हो ये बिना वजह का पंप है, कोई रीजन नहीं है, और ये पंप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन की सिचुएशन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए है। क्योंकि इसके बाद डंप अगर आया तो ज्यादा डंप ना आए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पे जो है पहले ही पंप किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो क्रिप्टो करेंसी है उनके अंदर तो पंप ही नहीं आ रहा, और आज हम यही बात करने वाले हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट के अंदर, आपने भी होल्ड कर रखी होंगी, लेकिन उनमें से किसी भी क्रिप्टो के अंदर क्या हो रहा है, पंप ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? और देखो मार्केट में समझना बहुत जरूरी है, मार्केट को समझ के चलोगे तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं, ठीक है, जिनके अंदर पैसा बहुत कम है, आपका भी पैसा नहीं होगा उन क्रिप्टो के अंदर, लेकिन उन क्रिप्टो के अंदर अच्छा पंप हम देखते हैं, बहुत बढ़िया पंप आता है, 1000%, 2000%, 5000%, इतनी बढ़िया रैली उन क्रिप्टो करेंसीज में कैसे आ जाती है? और रियलिटी आज मार्केट की है, मार्केट की आज की रियलिटी नहीं है, बुलरन में ही एक ऐसा नजारा दिखता है जब आपके होल्ड किए हुए कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखते हैं, अच्छा खासा पंप करते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल से देखें, 2022 में आपका ओल्ड कॉइन कोई बढ़िया पंप नहीं हुआ, जो आपने बड़े बड़े ओल्ड कॉइन रखे हुए हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा वो सब खराब है, वो अपने टाइम के ऊपर पंप करेंगे, जब उनका सीजन आएगा तो वो रुकेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन जिन क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कम है, जिन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लो कैप क्रिप्टो की मैं बात करता हूं, जिनमें आपका पैसा नहीं है, बस खोटे सिक्के भी आप देखा पंप हो रहे हैं, वीजीएक्स की बात करूं, सेल्सियस की बात करूं, इनमें आप पैसा नहीं डालोगे, कोई भी पैसा नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है 2022 में हमने देखा बहुत खराब हुआ, सब बैंकक्रप्ट हुए, सेल्सियस, वोयाजर, इसके साथ साथ एफटीएक्स एक्सचेंज का टोकन, एफटीएक्स एक्सचेंज ही दिवालिया हो गई, लेकिन फिर भी ये खोटे सिक्के भी पंप हो रहे हैं। और पंप आज की डेट में मार्केट में वही कॉइन्स होते हैं जिनमें आपका पैसा नहीं है, बिल्कुल वही बड़े पंप हमको देखने को मिलते हैं। और ये कौन से कॉइन्स होते हैं? ये कॉइन्स होते हैं जो टॉप 200 से बाहर हैं, 300 से ऊपर हैं, 400, 500, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स मिलते जाएंगे जो हिडन जेम्स है, और वो बड़े बड़े पंप हम देख रहे हैं। CFX की बात करूं, STX की बात करूं, एजिक्स की बात करूं, इन कॉइन्स को कोई जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था, किसी के पास कोई जानता ही नहीं था, छोड़िए पोर्टफोलियो में तो क्या होगा, लेकिन ये कॉइन 1000% पंप हो चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो मार्केट का यही सीन है, ये 2023 का सीन नहीं है, ये 2022 2021 बुलरन में ठीक है हर कॉइन पंप करता है, लेकिन आगे पीछे अगर देखें जिन क्रिप्टो में आपका पैसा नहीं है वही बड़ा पंप करेगा और वही बड़ा पंप दिखाएगा।
आपने कभी ये नहीं देखा होगा, ठीक है कभी कभी आपका भी क्रिप्टो हो जाता है डबल, डॉज कॉइन हमने देखा डबल हो गया था जब इलॉन मस्क ट्विटर बॉस बने, ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो हमारे पास कॉइन हो वो डबल हो जाए, लेकिन जो कॉइन हमारे पास नहीं है जिसमें हमारा पैसा नहीं है, मार्केट में यही गेम चलता है और मार्केट में समझना बहुत जरूरी है। बड़े पंप कहीं ना कहीं पीछे के कॉइन्स में आते हैं और उन्हीं कॉइन्स को ढूंढना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मार्केट को समझने की जरूरत है और पंप बड़े पंप उन्हीं कॉइन में आ रहे हैं जिनमें आपका पैसा नहीं है, ये रियलिटी है मार्केट की। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद जरूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।